कुछ भी काम संभव नहीं है। आज की क्लास के लिए मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहूँगा, देव सर के लिए क्या बोलोगे? सर देव सर के लिए एक बार ताली बजाने चाहते हो? Thank you very much, all of you. Yes, sir. All the best for tomorrow. Yes, sir. चलिए अनि जस्तो कि यो DSO यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो सर, यो इम्पोर्टेन्ट हो हैन? यो एकचोटिमा थाहा हुन्छ कहाँ के गर्नुपर्छ, कहाँ खराब छ भन्ने कुरो यसले बताइदिन्छ सर। जस यो DSO को जस काम लाग्ने चीज रहेछ, हामीलाई आजसम्म थाहा थिएन। एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सर यो। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। कहाँ से भाई? नेपाल से। नेपाल से। तो आप थोड़ा बताइए क्लास के बारे में, किनके साथ क्लास थी, किस लेवल से मिली आपको? देव सर की क्लास थी जी। क्या लेवल से मिली आपको? इंग्लिश लेवल। वहाँ पर सर ने जो बोलता है ना, एक मोबाइल में नहीं, वहाँ पर 10, 12, 15 सभी मॉडल के मोबाइल पर सर ने खुद प्रैक्टिकल करके हमको एक बार कहने पर समझाया था। और वही चीज़ जो एक डायग्राम था वो खुद में क्लास में भी लाइव बनाया। तुम्हारा वीडियो देख सकते हैं क्या? जी सर। सुपरस्टार बन गए तुम तो, ऋतिक रोशन बन गए सर। सुपरस्टार कौन ने बनाया? देव सर ने बनाया। देव सर ने बनाया जी सर। देव सर ने बनाया सर, तो किंग मेकर है सर। और आज लाइट सेक्शन के जितना भी सब प्रॉब्लम था वो दिमाग से सब एकदम अब खाली नहीं जाएगा, वो क्लियर बन के ही जाएगा सर। सब लाइव है। यस सर। क्या क्लास थी आज की? लाइट सेक्शन। किनके साथ थी? देव सर के साथ। तो किस किस का लाइट जला? सबका जला सर। सबका लाइट जला। यस सर। तो आपको नॉलेज कैसा मिला लाइट का? एंडलेस। एंडलेस। यस सर। क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए आप? थैंक यू सर। ये क्लास देव सर के साथ हमारी आज लाइट सेक्शन की क्लास थी, जिसमें हमको बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड लेवल तक पूरे उसके सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दी गई। कहाँ से कितना वोल्टेज निकलता है, कहाँ से आता है, कितना GR है, किस किस पेड पे जाता है, मतलब ICO के बारे में। IC जितनी भी होती हर एक IC के उससे हमको IC वाइज पढ़ाया गया, बताया गया। और कौन मतलब यूनिवर्सल IC है, किस में यूज़ कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं। और DSO से हमको चेक करना सिखाया गया। तो प्रैक्टिकल क्लास में आपने DSO का इस्तेमाल किया? जी सर, इसका इस्तेमाल किया प्रैक्टिकल क्लास में। मैंने नहीं सर, हर एक बच्चे ने एक एक करके सभी ने इस्तेमाल किया इस क्लास में। सेम देव सर ने जो बताया था प्रैक्टिकल में भी, प्रैक्टिकल सर ने हम लोग को बहुत आसान से फिर से बताया था जी। उसकी 4-5 बार बताया था हमको, बहुत सिंपल वे में वो। तो यहाँ पे कोई थ्योरी क्लास होती कि प्रैक्टिकल? नहीं सर, वहाँ पे 5-6 घंटा का थ्योरी क्लास होगा और 1-6 घंटा यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास होगा। पूरा 12 दोनों का बैलेंसिंग होना जरूरी है। हाँ जरूरी है सर, जरूरी। तो वो उतना याद नहीं रहेगा। तो आपने इनका इन सब का इस्तेमाल किया? हाँ, DSO को इस्तेमाल किया है, सब टूल्स को जैसे। हाँ, कहाँ पे आपको DSO का इस्तेमाल करना है, कहाँ मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना है, कहाँ से GR निकालना है, कहाँ से वोल्टेज उठाना है, सारी चीज़। और आपने IC उठा के पैडलाइन बनाई है? हाँ सर, पैडलाइन बनाई। यहाँ पर आप जो काम सीख रहे हो, जिस लेवल का नॉलेज आपको मिल रहा है, क्या स्मार्ट वर्क नॉलेज मिल रहा है कि मेहनत वाला मिल रहा है? नहीं सर, स्मार्ट वर्क विद प्रो लेवल टीचिंग सर। स्मार्ट लेवल का मिल रहा है आपको, हर चीज़ को स्मार्ट तरीके से काम करना। स्मार्ट तरीके से और बहुत फास्ट वे में हम कैसे डिटेक्ट करें किसी भी चीज़ को, किसी भी PCB को हम कैसे फास्ट वे में देखें कि हमें किस चीज़ पे, किस IC पे काम करना है, वो ट्रिक भी सिखाई जाती है। मतलब कनेक्टर पे कहाँ से आती है, कितना वोल्टेज आता है, हाँ, तो सब कुछ हमारे लिए बताया था। तो और प्रैक्टिकल क्लास में क्या हुआ? प्रैक्टिकल क्लास में सर हमें प्रैक्टिकल अच्छे लेवल से कराया था और DSO से भी कराया था हमारे लिए। इसका इस्तेमाल हुआ? जी सर, इसका इस्तेमाल सर रोज़ होता है हमारे लिए। जो जो सेक्शन पढ़ते हैं उसमें DSO का जरूर इस्तेमाल होता है। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। तो देखिए, एशिया टेलीकॉम के आने वाले नए स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम हर स्टूडेंट से यहाँ पर सर्किट बनवाते हैं। यह PMI लाइट सेक्शन सब पावर, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े टीचर्स इस लाइट सेक्शंस को समझा नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वहाँ हम सर्किट वाइज इनको समझाते हैं। और इस तरह समझाते हैं कि समझाने के ठीक 10 मिनट बाद स्टूडेंट बोर्ड में आके खुद ये पूरा डायग्राम बनाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें इसी स्टूडेंट ने, जो कि नेपाल से आया है, इसके बाद इसने इसको IC के अंदर पैड लाइन के थ्रू बनाया है। और इसी वीडियो को पूरा और आगे देखिएगा, तो हमने इससे IC भी लाइव निकलवाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायग्राम बनवा रहे, हर स्टूडेंट से हम लाइव IC निकलवाते हैं लाइट सेक्शन की ओर से, पूरा प्रैक्टिकली उसके GR वोल्टेज आउटपुट कैसा बनता है, इनपुट में क्या क्या आता है, EN सिग्नल कहाँ से आते हैं, स्विचिंग कैसे होती है, फ्रिक्वेंसी कहाँ पे आता है, डाटा क्लॉक की क्या लाइन है, कमांड क्या होता है, एक रेफरेंस लाइन क्या होती है, हर तरह की लाइनों की जानकारी यहाँ पे इस तरह से दी जाती है कि एक बंदा बोर्नियो या स्कीमेटिक पर निर्भर ना रहे और अपने फ़ोन को डायरेक्ट बिना किसी लैपटॉप या बोर्नियो या स्कीमेटिक खोल के भी ये बना सके। सो ये हम इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ एशिया टेलीकॉम में आने वाले हर स्टूडेंट ये बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं। 6 घंटे हम इनको इस लेवल पर थ्योरी देखते हैं और 6 ही घंटे इनको इसी लेवल पर प्रैक्टिकल इनके हाथों से करवाते हैं। दोस्तों, हमारा बिलीव है, ये हमारा बिलीव सिस्टम है कि जो काम आप थ्योरी में सीखेंगे वो काम आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपसे वो काम बनेगा नहीं। सो आपसे वो प्रैक्टिकल हम करवाएंगे और इसके लिए पूरा 6 घंटा हम आपको प्रैक्टिकल देते हैं, जिसमें हमारे इंडिया में सबसे बड़ी लैब है। तो एक बार ज्वाइन जरूर कीजिए एशिया टेलीकॉम और हमारे पर भरोसा रखिए और हमारे फेसबुक पर लाइव जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि एशिया टेलीकॉम में कितना दम है। कॉइल पर 4 वोल्ट आती है, उसको बीपीएस लाइन बोलते हैं हम लोग। ये रही बूस्ट कॉइल जो 10 माइक्रो हेनरी का होना चाहिए। उसमें चेक करने पर 4 वोल्ट दोनों साइड, इनमें भी 4 आउट में एरो जाने वाला ये आ रहा है। वेरी गुड, जा रहा है, ये भी जा रहा है। अजी सबसे पहले LCD कनेक्टर पर 4 वोल्ट चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो 4 वोल्ट करके हमको पता लगेगा डायोड, कैपेसिटर और ये बूस्ट कॉइल सही है। उसके बाद हम लोग को लाइट नहीं आने पर लाइट चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? पहले बारी बार पहला बूस्ट कॉइल चेंज करेंगे, उसके बाद डायोड चेंज करेंगे और ये देखेंगे ये कैपेसिटर ऑफ ऑन है कि लगा है कि नहीं लगा है, वो भी देखना पड़ेगा। और इसके साथ एक ये CABC का लाइन भी देखना पड़ेगा। इसमें भी एक रजिस्टर लगा होता है ग्राउंड से। नहीं, ये वो वाला लाइन है, CABC वाला, ये 4 वोल्ट वाला नहीं, ये 1.8 वोल्टेज की लाइन है। वो सिर्फ लगा होता है 6 पिन की सप्लाई में। इस पर सिर्फ ये चेक करना है CABC पर 1.8 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद IC उठा के जो कंटिन्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट सेक्शन में ये पार्ट ब्रेक होने पर भी लाइट नहीं आती है। तो ये पार्ट कैसे आपने ढूंढा? 9 नंबर IC उठा के बूस्ट कॉइल के एक पॉइंट में रखकर 9 नंबर डायग्राम के हेल्प से। इधर आओ, इधर घुमाओ कैमरा, इधर आओ, बैठो इधर, ये बैठिए। नंबर गिन के बताएंगे और 6 नंबर कंटिन्यूटी ले लो और ये बताओ कि डायोड के कहां से कहां पर प्लस पर बीप आएगी, ये ले लो और बीप भी दिखाओ, तो एक्सप्लेन करो इसको। सॉरी, ठीक है, दिखाइए। डायोड की माइनस से IC पर कंटिन्यूटी कितने नंबर पर? 9 नंबर। नहीं, डायोड की माइनस से नहीं, डायोड की प्लस से, क्योंकि वो स्विचिंग है ना। करो 9 नंबर पे, ये नोज का पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। 9 नंबर करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखो। अब डायोड के प्लस पर रखो, प्लस पर तो माइनस पर रखो। बताओ, समझाओ क्या है ये जो लाइन ट्रैक इसका सब सही है। आप दूसरा ट्रैक कौन सा आउटपुट कर रहे हैं, वो कौन सा ट्रैक है बात बताओ जो तुमने बनाया है। 6 नंबर पे डायोड के प्लस पे कि माइनस पर? माइनस पर। हां देखो 6 नंबर गिनो 1 2 3 4 5 6 ये आ रही है। वेरी गुड। आ जाओ इधर। अच्छा आप मुझे, आपका नाम क्या है? बलराम चौधरी। बलराम चौधरी फ्रॉम नेपाल। बलराम बैठो, मुझे बताओ विदाउट किसी डायग्राम, विदाउट डोनियो 50 वोल्ट का कैपेसिटर कौन सा लगा हुआ है? जल्दी बताओ, कैसे बताओगे? जो ग्राउंड से डायोड के माइनस करो, जो कैपेसिटर डायोड के वो कितने वोल्ट का, देखो कौन सा बताते हैं दूरी। और देखिए हाँ, अब सारे कैपेसिटर पे टच करो, ये वाला कौन सा वाला है? ये वाला है। यस सर, डायग्राम में देखे हैं। यस सर। बाबूराम इधर आओ, क्या बात? बाबूराम की बताओ, बाबूराम इधर आइए। अब इधर आएंगे और इधर हमने, आपने कौन सा कैपेसिटर बोला है ध्यान देना। ये आपका डायोड में इन दोनों में से कौन सा कैपेसिटर तुमने बोला? टच करो उसको, टच करो कैपेसिटर को, टच करो दो बार। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर, फिर से हम टच करेंगे ये कैपेसिटर, तो ये वाला कैपेसिटर है। फिर हम देखेंगे सर ये कैपेसिटर ढूंढेंगे कि इधर है, तो देखो मैं इसको यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। तो देखो ये कैपेसिटर क्या लिखा हुआ है बताओ, C1 बोलो, C1 35 वोल्ट का लगा हुआ है। कितने वोल्ट का मुझे बताइए बलराम, और एक सर्किट को पूरा कीजिए। बाबूराम सॉरी, मुझे सर्किट को पूरा कीजिए। अब बाकी का कहाँ है? हो गया, सर्किट पूरा हो गया। एक्सप्लेन करो, तुमने ये लाइन बहुत अच्छे समझा दी। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, ये भी एक्सप्लेन करो। ये लाइन हमारे LCD लाइट की आउटपुट है जिसको भी आउट बोल रहा है। इससे हमको मोबाइल ये कब आएगा? मोबाइल जब ऑन करेंगे लिख दो ऑन कंडीशन में। वैसे ये ऑन कंडीशन में प्लस 15 वोल्टेज आएगा, तभी हमको कहाँ जाएगा? LCD कनेक्टर पे आएगा। और जाएगा कहाँ पे, कौन से ट्रैक पे जाएगा? ये होते हुए कौन से ट्रैक पे? डायोड के माइनस में कनेक्ट होकर LCD कनेक्टर पर जाएगा। और यहाँ पे 4 की जगह पे कितना जाएगा? पर 15 प्लस अपने तरीके से बना ले। और ये 2 लाइन कौन सी है? ये 2 लाइन कैथोड और ये नहीं यूज होने पर भी नहीं, ये दोनों लाइनें कट आउट की है क्योंकि यहाँ पे LED काफी ज्यादा लगी हुई है, इसलिए दोनों को पार्टीशन में बांटा गया है। इसलिए एक आधी लाइन को कट आउट 1 और आधी लाइन को कट आउट 2, सबको एनोड एक ही दे दिया गया है। यहाँ पर एक बार जोरदार ताली बजाइए। अभी लाइव में मुझे बताओ, इससे पहले ये बनाया था क्या तुमने? नहीं सर, यो आइडिया नहीं होता, हमसे भी कितना रिटर्न भी कर दिए थे, मगर अब आएगा तो रिटर्न में जाएगा। मुझे बताओ एक बार जल्दी से 2 मिनट के अंदर तुम्हारी भाषा में, नेपाली भाषा में समझा दो नेपाली लोगों को एक बार, सिर्फ नेपाली में। ल नेपाली साथीहरु हेर्नुस्, म यही कामलाई पहिला रिटर्न गरेको थिएँ, यही कामलाई, तर अब आयो भने यो काम रिटर्न जाँदैन। अब हामीले अब सबै डिटेलमा चाहिँ भन्दिन, यो डिटेलमा बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईले इन्स्टिट्युट जोइन गर्नुपर्छ। त्यो पनि एशिया टेलिकम। यहाँ भनेको 100% पर्फेक्ट तरिकाले तपाईलाई नलेज पाउँछ, जुन मलाई यो कुरा थाहा थिएन अहिले थाहा भयो। अब डिटेलमा तपाईलाई भन्दाखेरि अब यो तपाईलाई थाहा छ कि छैन हैन, यसमा 10 माइक्रोएम्पियरको बुस्ट कोइल हुन्छ, त्यसपछि हामीलाई डायोड हुन्छ, त्यसपछि 50 भोल्टको क्यापेसिटर हुन्छ। त्यो कुराहरु नलेज लिनको लागि चाहिँ तपाई एकचोटी यहाँ जोइन गर्नै पर्छ। धन्यवाद। आप बताओ किस को यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट की और आगे की क्लास हुई है जिसमें मैं यहाँ पर उनको लाइट आईसी बता रहा हूँ। मैंने उनको हर तरह की आईसी बताई दोस्तों, D8, D6, D9। अभी मैं उनको D9 एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिस तरीके उनको स्कीमेटिक ओपन करके यहाँ स्मार्ट पैनल से पढ़ा जाता है। आप देखेंगे हमारे पास में हमारे प्रैक्टिकल रूम में भी स्मार्ट पैनल है। हिंदुस्तान का हम पहला इंस्टीट्यूट है जिसके बाद 2 स्मार्ट पैनल है, जहाँ हम थ्योरी में भी स्मार्ट पैनल यूज़ करते हैं सबसे बड़ा, और हमारे प्रैक्टिकल में भी स्मार्ट पैनल है जहाँ पर आप बड़ी स्क्रीन पर सारी चीज़ें देखते हैं और प्रैक्टिकली इसको हैं। उसके साथ आप अपने यहाँ पर वर्क स्टेशन जो आपको दिया जाता है उस पर काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्या क्या देंगे, हम यहाँ पे आपको पूरे मंथ का बोर्नियो फ्री देंगे, हम यहाँ आपको प्रगमा फिक्स फ्री देंगे, हम यहाँ पे आपको यूएफआई देंगे अपनी तरफ से, हम आपको यहाँ पर यूएमटी टूल फ्री देंगे, हम आपको यहाँ पर काम करने के लिए जो 1 महीने के लिए आपके पास होगा हम आपको यहाँ पर अनलॉक टूल देंगे। सो ये सारी चीज़ आपको मिलने वाली है और ये सारी चीज़ आपको एशिया टेलीकॉम से, ताकि आपको यहाँ पे कोई ख़रीदने का आपको ऊपर आप पर बोझ ना रहे। आप आइए, क्लास अटेंड कीजिए, अपने फ़ोन लेके आइए, जो लाइट से सेक्शन है, जो ग्राफिक्स है, और उस फ़ोनों को यहाँ पे डायग्नोस कीजिए और उस फ़ोनों का कारण पता कीजिए कि क्यों नहीं बने हैं, और बने हैं तो उसको बनाइए वहाँ पर बैठ के, और एक एंडलेस इसको सीखिए। और जो आप यहाँ से सीखेंगे और भविष्य पे पूरे लाइव अटेंड कीजिए, और आपको हम बैकअप सपोर्ट देंगे। आप देखिए हमारे यहाँ बैकअप सपोर्ट की यहाँ पे क्लासेस चलती है, हर तरह का आपको जंपर, बाईपास, सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा। बाबूराम चौधरी, नेपाल से हैं? नेपाल से सर। चलिए ठीक है, बहुत दूर आप आए इंडिया। और चलिए अभी बात करें हम आपसे, तो अभी आपके हाथ में कौन सा फ़ोन है? ये रेडमी 6 है। रेडमी का 6 है। तो आपको सर ने 6A का कौन सा आपका लाइट आईसी होगा ये सर ने आपको बताया? जी सर। कहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना ये बताया सर ने? जी सर। अगर आपका आईसी ओके है, डिस्प्ले ओके है और लाइट ओके है तो कितना वोल्टेज बनता है ये पता है आपको? +50। जी सर। तो चलिए ओवरऑल अभी आप इसका क्या करने वाले हैं? आईसी निकाल कर फिर चेक करना, लाइट आईसी निकाल के आप डायग्नोस करने वाले हैं कि डिजाइन का पैड कौन कौन सा है? जी सर। चलिए ठीक है, आपको बोर्नियो इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री दी गया है, दिया गया नहीं दिया गया? जी सर। दिया गया है? जी सर। चलिए ठीक है, आप लैपटॉप भी लेके आए अपना? जी सर। दिखा दीजिए जरा इनका बोर्नियो। ये रही बोर्ड न्यू खुल रही है। नहीं है भैया, इसमें कुछ भी नहीं है। बोर्ड न्यू लाइव डाटा अपडेटिंग डाटा स्टैंड लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप इसका बोर्नियो खुल रहा है, आप इसका आईसी निकाल लीजिए, लाइट आईसी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि जिस बाबूराम चौधरी यहाँ पर जिन्होंने अभी क्लास में लाइव हमारे सिखाने के बाद में पूरा डायग्राम बनाया, और जो एक फ्रेशर बंदे थे उन्होंने अब उसी फ़ोन में उसी के एक चालू हैंडसेट से पूरा निकाल के पूरा डायग्राम फिर से बना रहे हैं, पैड वाइज उसको डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे आप देखिए इनसे हमने इसका CPU भी करवा चुके हैं, हमने यहाँ पे हर एक बच्चे से CPU, पावर, एमएमसी पूरा निकलवा के लाइव लगवा चुके हैं। अब जो भी काम कर रहे हैं सेक्शन वाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर अब हम सेक्शन कर रहे हैं। देखिए इन्होंने लाइव आईसी चालू फ़ोन से निकाल ली है, अब इसको ये क्लीन करेंगे, उसके बाद में इसके पैड लाइन बनाएंगे, और लाइन बना के कहाँ यहाँ पे क्या GR आ रहा है, और उसके बाद में इस पे सारी लाइन डालेंगे, और लाइन डालने के बाद इसका डायग्राम बना के उसका आईसी को वापस लगा के उसको 1 टाइम में ऑन करेंगे। दोस्तों ये जो आया है हिम्मत, और ये जो होता है हौसला, और ये तब होता है जब आप कुछ चीज़ सीखते हैं। और जब आप देखिए अब उन्होंने बनाना चालू कर दिया। अब यहाँ पे आप नोटिस करें किसी भी तरह का कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्री डायग्राम पहले से खुल कर रखा हुआ है, वो सारी चीज़ यहाँ पे अपने हिसाब से बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने सबसे पहले जैसा सिखाया था कि क्या क्या मुझे लाइन ढूंढनी है, इनपुट आउटपुट कमांड, ये सारी लाइनें उन्होंने पहले नोट की है, उसके बाद में उनकी कोडिंग इन्होंने कोड की है, उसके बाद में इसकी पैडलाइन बनाएंगे। यहाँ बच्चों को डायग्राम सिखाया जाता है ताकि आप एंडलेस काम कर सकें। यहाँ बच्चों को डायग्राम के बिना सिखाया जाता है। आप भी जानते हैं वीवो के डायग्राम नहीं आते हैं, आप भी जानते हैं सैमसंग के लेटेस्ट के डायग्राम नहीं आते हैं। उसके बाद उसके भी फ़ोनों के किस तरह से ट्रेसिंग करना है, इसी का डाटा सीट बनाना है, तो सारी चीज़ें हम इसमें सिखाते हैं। आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करेंगे, एशिया टेलीकॉम के फेसबुक वीडियो पर जाके देखो, 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर है। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी इंस्टीट्यूट के 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, सिर्फ एशिया टेलीकॉम, क्योंकि उससे जुड़े हुए लोग, एक भरोसा है उस से लोगों को कि हाँ। और यहाँ पर दोस्तों हर दिन 12 घंटे की क्लास होती है, इसे कहने की बात नहीं है। जब यहाँ बच्चे आते हैं हर दिन उनको DSO से काम करवाया जाता है। DSO से हमने दिखाने या चमकाने के लिए नहीं रखा, हमने यहाँ पर वोल्टेज प्रैक्टिकली हर चीज़। स्टूडेंट हमारे पास में 90 माइक्रोस्कोप की लैब है, जो कि पूरी इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट के पास नहीं। हमारे पास में 6 एक बिल्कुल हार्ड कोर टीचर की हमारे पास में टीम है, और जो एक काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस यहाँ पर रखते हैं, और वो हर एक सेक्शन के लिए माहिर है अपने सेक्शन में। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा यहाँ पर हर चीज़ कर रहा है, और क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि एक बंदा हर चीज़ जो करता है और जो समझाता है, तो वो एक वक्त पर जाके उसकी एनर्जी लो हो जाती है, या फिर वो उतना दे नहीं पाता जितना वो देना चाहता है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत सारा नॉलेज छुपाते हैं, फिर यहाँ से जाने के बाद में बच्चों से पैसे मांगते हैं कि बैकअप के लिए पैसे देना है, या उनके उन्हीं के फ़ोन बनाने के लिए पैसे मांगते हैं, और 20 दिन के लिए बुलाते हैं, 15 दिन 10 दिन पढ़ाते हैं। आप देखिए, आप हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर ही पूरे 30 में से अगर हम बात करें 26, 27, 28, 29, 30 हम पढ़ाते हैं, उसमें से सिर्फ 18 दिन हमारा हार्डवेयर जो 12 घंटे की क्लासेस चलता है, हम हर एक सेक्शन को डीपली में पढ़ाते हैं। हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है कि हम आपको 100 टॉपिक पढ़ाएंगे या 150 पढ़ाएंगे। हम मोबाइल में ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ते जो आपको ना पढ़ाएं। हर सेक्शंस को पढ़ाया जाता है, हर एक की डिटेलिंग की जाती है, और ये सभी आप आगे आने वाले उस पर देखते हैं। तो आज ही अपनी सीट बुक कराइए, एशिया टेलीकॉम आइए, ये दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। आप हमें बुक कराने के जो एडवांस बुकिंग है वो कराइए। 28 अभी अगस्त की बुकिंग चल रही है, 28 सितंबर की जो बुकिंग चल रही है, आप उस बुकिंग में पार्टिसिपेट करो और एशिया टेलीकॉम आइए, जबलपुर मध्य प्रदेश। आप हमारे MD सर से या फातिमा मैडम से बात कीजिए और अपनी सीट को बुक कराइए। दोस्तों बिल्कुल सोचिए मत, हम आपको डेली लाइव दिखाएंगे क्लास में, जो भी है ट्रांसपेरेंसी होगी। 4-चौथे दिन में आपसे CPU लगवाया जाएगा, तीसरे दिन में आपसे लाइव पावर IC लगवाई जाएगी, 2 दिन में आपसे एंडलेस कंपोनेंट टेस्ट करवाए जाएंगे, निकलवा के लगवाए जाएंगे। आपसे थर्मिस्टर ढूंढना सिखाऊंगा बिना किसी सर के डायग्राम से। आप 5 मिनट के अंदर पूरे बोर्ड के थर्मिस्टर निकाल के ढूंढ सकते हो, ये बता सकते हो कि सर ये सही है कि खराब है। सो इतना कॉन्फिडेंस जब हमने है, वही इतना कॉन्फिडेंस हम आप में डिलीवर करेंगे। और बिजनेस को रन करने के लिए टूल्स की बात करें तो आपको यहाँ पर ZX मलिक सर की आपको टूल की पर्सनल क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें हम आपको टूल प्रोवाइड कराएंगे। जो भी आपको टूल खरीदना है, आपको हिंदुस्तान के कहीं किसी कोने में जाने की जरूरत नहीं है। एक ट्विजर से लेकर DSO तक के आपको सारे टूल आपको हमारे एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे, और वो भी सबसे अच्छे और सबसे कम रेट पे, और एक जेन्युइन, और जिसमें एक भरोसा होगा और एक गारंटी और वारंटी होगी एशिया टेलीकॉम की। तो देखिए आप किस तरह से एक स्टूडेंट इसका डाटा सीट बना रहा है। ये टीचर बनाता है किसी इंस्टीट्यूट में बैठ के, और उसको एक्सप्लेन करता है, बोलता है कि ये आना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट बना रहा है और एक फ्रेशर, देखो कितनी कमाल की बात है यार। एक कमाल की बात है कि एक ये जो गोले हैं, ये जो डाटा सीट है, एक टीचर बना के अपने आप को एक्सपर्ट बताता है, यहाँ पे हमारा स्टूडेंट बना रहा है यार। तो आप देखो कि स्टूडेंट अगर ये काम कर रहा है तो फिर किस लेवल पे आप सीखेंगे। और तभी तो हमारे यहाँ जाके बच्चे इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, और इंस्टीट्यूट खोल के आगे अपना काम करते हैं, भले ही वो दिल्ली में हो या हैदराबाद में हो। हमारे जितने भी यहाँ से पढ़े हुए बच्चे हैं, जितने भी हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, जो हमारे यहाँ पहले टीचर थे या आप जाके दूसरे का टीचर बन गए, और वो हमारे यहाँ ही पढ़े हुए स्टूडेंट थे पहले। और जितने भी बहुत सारे जो टीचर आप देखेंगे, वो सब एशिया टेलीकॉम से निकले हुए स्टूडेंट हैं। सो आप भी अपना देखो, अपना है ना भाग आजमाओ, नहीं किसी दूसरी दुकान पर जाकर या किसी ऐसे आदमी पर जाकर जो 10-15 है, 1 साल से बैठा हुआ है, काम कर रहा है, जिसका खुद का नॉलेज नहीं है, या जो एक अनएक्सपीरियंस काम कर रहा है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डायग्राम खोलना, डायग्राम को समझना एक बहुत बड़ी बात है आप, और ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जगह जाकर अपने आप का पैसा लुटाना और उसके बाद रोना ज़िंदगी भर। तो ऐसा कब तक करोगे मेरे भाई, और हर पूरी ज़िंदगी भर इंस्टीट्यूट में घूमोगे। तो इसलिए वन टाइम आओ, एक देश एक कोर्स, एशिया टेलीकॉम। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने आईसी निकाल के दोबारा से लगाया है और इसका पैड लाइन भी आपने चेक किया है। जी सर। तो यहाँ पे दिखा देते हैं, इन्होंने पैड लाइन भी बनाया है। इसका कौन से नंबर पे बॉल गया है, कौन से नंबर 20 नंबर गई है। जी सर। यहाँ पे देखिए, ये आपको वोल्टेज मिला कि नहीं मिला? मिला सर। चलिए ठीक। और कैसा रहा क्लास? बहुत बढ़िया। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर समझ में आया, इसलिए तो बना पाए फिर से। चलिए बहुत बढ़िया, आपने पैड भी चेक कर लिया। क्या बोलेंगे उनके लिए जो आपको देख के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं? एकदम 100% आइए और कोई टेंशन होता है ना, जो पैसा डूबेगा ऐसा होगा वैसा वैसा कोई टेंशन नहीं है। लाइव में देख लीजिए, अभी निकाल के हम क्यों दोबारा से इन्होंने आईसी निकाल के रिवॉल्व करके दोबारा लगाया इन्होंने। हां सर। पैड लाइन को चेक किया इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम पूरी भी चेक कराया है इस को यहाँ पे। तो ओवरऑल कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर। क्या बोलेंगे देव सर के लिए? देव सर के तो लाइट सेक्शन इनलेस देव सर के बारे में तो इनलेस इतना जितना सोचा था ना उससे भी ज्यादा 100% सोच के आया था, 2% कोई भी लाइट आईसी सर ने छोड़ा है? नहीं सर, नहीं सर। आप लोग ऐसा आईसी सोचा है कि जो लाइट आईसी सर ने ना बताया हो? नहीं, सभी आईसी के बारे में बताया, नए तक अभी तक जो चल रहे हैं। D8 D9 भी सर ने बना के देखा है। चलिए ठीक है। क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? नंबर वन। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। एक बार क्लैप भी कर लीजिए इनके लिए। ये सब लाइट करना था, वो प्रैक्टिकल क्लास सजा नंबर 9 सीबीसी वाला ये तो ब्राइटनेस के लिए है। हाँ ये तभी तो ब्राइट K1 भी जोड़ो, K2 भी इसको इससे जोड़ो, K2 भी जोड़ो, K2 जोड़ दिया सर। हाँ CABC भी जोड़ो, CABC भी जोड़ो, इसको एलिवेयर करो, कनेक्टर में जाओ। थोड़ा बोलो, एक्सप्लेन करो क्या ना इस प्रकार से बताइए, आप बोलिए। आज हम देख रहे हैं 8 वोल्ट का डी का 12 वोल्ट का लाइट आईसी हम डायग्नोस कर रहे हैं। इसके बाद हमको आप ज़रूरत पड़ेगा एक डीसी टू डीसी आईसी, एक सीपीयू और एलसीडी कनेक्टर है, जो डीसी आईसी से 4 वोल्ट बूस्ट कॉइल के साथ B3 और D3 पर B वोल्ट HV 4 वोल्ट और स्विचिंग के लिए 4 वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद ग्राउंड हमारा में C3 और D3 ग्राउंड है। उसके बाद आते हैं हमको कमांड। कमांड में A2 रो B2 SDAL 1.8 वोल्ट रो SCL SDA करो, उसको SDA करो, काट के। हाँ SDA करो, SDA 1.8 वोल्ट और SCL 1.8 वोल्ट और सीधा CPU से आता है। उसके बाद आउटपुट OBP D2 वो जोड़ा होता है डायोड के नेगेटिव पॉइंट पे, माइनस पे, वो OBP 15 वोल्ट लेता है। उसके बाद एक डायोड लगा है और एक फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर लगा के एक कॉइल 0 ओम का और रजिस्टर के एलसीडी कनेक्टर पे जाता है। और हमारा ये D1NC खाली है। जो A3 का पॉइंट है, EN का पॉइंट है, वो CPU के से आते हैं, वो 1.8 वोल्ट निकालते देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी आईसी कंप्लीट होती है। चलो इनके लिए क्लैपिंग कर दो एक बार। चलो हमारे साथ है 28 अगस्त की बैच। यस सर, ये पूरी खड़ी है 28 अगस्त की बैच। यस सर। अभी फिलहाल टाइम क्या हो रहा है? 9:30। यस सर। 9:30 पे कौन कौन लाइव है? अभी सब लाइव है। यस सर। क्या क्लास थी आज की? किनके साथ थी? देव सर के साथ। तो किस किस का लाइट जला? सबका जला सर। सबका लाइट जला? यस सर। तो आपको नॉलेज कैसा मिला लाइट का? एंडलेस। एंडलेस। यस सर। क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए आप? सुपर। थैंक यू सर। ये क्लास गलती से अगर आप कहीं पे और लेते हैं तो ये नॉलेज आपको मिल पाता क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आज क्या खाली आप जीआर वाले टेक्नीशियन हो क्या? बिल्कुल नहीं सर। खाली मल्टीमीटर वाले हो क्या? बिल्कुल नहीं सर। डीएसओ वाले हैं। डीएसओ वाले सही बोल रहे हैं। आज आपको हर सेक्शन में ये मालूम है कि डीएसओ का इस्तेमाल होता है कहाँ करना है। आज उपयोगिता मालूम पड़ी हमको। इसके पहले हमने इसको देखा भी था या हमको देखा जरूर था पर बाकी इसका उपयोग मालूम था कि हम ये हमारे काम को आसान कर रहा है कि कठिन कर रहा है। आप प्रो लेवल पे काम कर रहे हो ना। आज एक जो फ्रेशर बंदा आया वो भी प्रो लेवल पे काम कर रहा है ना। हमारा तरीका पढ़ाने का थोड़ा डिसेंट है कि नहीं है, है ना? डिसेंट। तो अब मैं लाइट सेक्शंस के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ईमानदारी से ये बताओ कि लाइट सेक्शन कितना इजी लगा? बहुत इजी सर। आपके पास क्या वो नॉलेज है कि दुनिया की 10 आईसी पे लाइट सेक्शन बनता है? बिल्कुल सर। हम कोई बोर्ड वाइज मॉडल वाइज नहीं पढ़ते हैं ना, सीपीयू वाइज पढ़ते हैं तो आईसी पे काम करते हैं। तो ऐसा कोई सा आईसी जो आपने छोड़ा हो यहाँ पर? नहीं सर। जिसका नॉलेज तुमको नहीं मालूम? नहीं सर, है ना। ऐसी कोई सी आईसी जिसका नॉलेज तुमको पता नहीं हो? एक-एक आईसी का नॉलेज, एक-एक सर्किट पता है, कौन सी लाइन जा रही है, कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने जी आ रहे हैं, सारी चीजों का नॉलेज है। कहाँ पे डीएसओ का इस्तेमाल करना है ये भी नॉलेज है आपको। तो ये बताओ मेरे को कि अभी प्रैक्टिकल क्लास में आप 5 घंटे से प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो ऐसा कोई बंदा हाथ उठा के बोल दे कि जिसने पूरा प्रैक्टिकल नहीं करा हो, बताइए मेरे को। और हमने लाइट को अभी कितने सीपीयू पे और कितने पे डायग्नोस करके आंख से देख के आप बता सकते कि नहीं बता सकते कि कौन सा ट्रैक कहाँ जा रहा है और कौन सा ट्रैक कहाँ जा रहा है? देख के बता सकते हो ना, देख के। तो हमारा गणित जो हमारी थ्योरी थी वो पीसीबी को पढ़ने की कोई गलत है क्या? नहीं सर। एक्सीलेंट है। चलिए ठीक है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका लाइट की क्लास कैसी लगी? बहुत सर, बहुत शानदार थी सर। सबसे पहले 11:30 बजे से क्लास स्टार्ट हुई, किनके साथ थी थोड़ा डिटेल में बताइए। जी सर, देव सर के साथ हमारी आज लाइट सेक्शन की क्लास थी जिसमें हमको बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड लेवल तक पूरे उसके सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दी गई। कहाँ से कितना वोल्टेज निकलता है, कहाँ से आता है, कितना जी आर है, किस किस पेड पे जाता है, मतलब आईसीओ के बारे में। आईसी जितनी भी होती हर एक आईसी के उससे हमको आईसी वाइज पढ़ाया गया, बताया गया। और कौन मतलब यूनिवर्सल आईसी है, किस में यूज़ कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं। और डीएसओ से हमको चेक करना सिखाया गया। तो प्रैक्टिकल क्लास में आपने डीएसओ का इस्तेमाल किया? जी सर, इसका इस्तेमाल किया प्रैक्टिकल क्लास में। मैंने ही नहीं सर, हर एक बच्चे ने एक एक करके सभी ने इस्तेमाल किया इसका। तो एक जो उसका जेन्युइन लाइट सेक्शन होता है, पूरा लाइट सेक्शंस के बारे में, लाइट आईसी की बात करूँ तो जेन्युइन आपको जो लाइन जो आपके डिस्प्ले कनेक्टर पे आती है, एक एक लाइन के बारे में पता है? जी सर बिल्कुल, एक एक लाइन के बारे में बिल्कुल सर, पूरी पूरी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर। हाँ जी सर, आज हमारी लाइट सेक्शन की क्लास थी सर, देव सर के साथ सुबह 11:30 बजे, जिसमें हमने हर एक सीपीयू, हर एक लाइटिंग का जितना भी सेक्शन रहता है, जितने भी हमारे पास सीपीयू रहते हैं वो सारे सीपीयू हमने प्रैक्टिकल वाइज भी यहाँ पे तब से किए हैं सर। अब लाइटिंग सेक्शन को लेके हमारे मन में कोई डाउट नहीं है सर। अब लाइटिंग सेक्शन को लेके जो भी हमारे पास जितने भी तरह के ये प्रॉब्लम्स आती थी, पहले ये समझ में नहीं आता था ये डेड सेट है क्या है, लाइटिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइट ना आने की वजह से पता नहीं चलता था सर। अब वो सारी डाउट्स जो है ना सर क्लियर हो गए कि कहाँ से हमें जाना है, किस किस आईसी पे काम करना है, अगर ये वोल्टेज ना आए, ये जीआर ना आए तो हमें क्या करना है, किस सेक्शन में जाना है, सीपीयू पे कब काम करना है, पीएमआईसी पे कब काम करना है, दूसरे आईसी पे कब काम करना है, ये हर एक चीज़ हमें बताई गई और डिटेल में बताएगी सर। एंडलेस सोल्यूशन सर हर एक चीज़ की। थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा आपसे, यहाँ पर आप जो काम सीख रहे हो, जिस लेवल का नॉलेज आपको मिल रहा है, क्या स्मार्ट वर्क नॉलेज मिल रहा है कि मेहनत वाला मिल रहा है? नहीं सर, स्मार्ट वर्क विद प्रो लेवल टीचिंग सर। स्मार्ट लेवल का मिल रहा है आपको, हर चीज़ को स्मार्ट तरीके से काम करना, स्मार्ट तरीके से और बहुत फास्ट वे में हम कैसे डिटेक्ट करें किसी भी चीज़ को, किसी भी पीसीबी को हम कैसे फास्ट वे में देखें कि हमें किस चीज़ पर, किस आईसी पे काम करना है, वो ट्रिक भी सिखाई जाती है सर, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से सर। तो यही स्मार्ट तरीके से पूरे बैच के स्टूडेंट सीख रहे हैं आप। देव सर का जो नाम लेके आए थे एशिया टेलीकॉम से, आप देव सर को लेके आए थे, भरोसा हम लेके आए थे यार, देव सर को लेके जो कंसेप्ट अपने माइंड में लेके आए थे, जो हम जाएंगे तो इस तरह की इस प्रो लेवल नॉलेज हमें मिलेगी, वो सर पूरा हो रहा है, तो इससे हमें बहुत खुशी मिल रही है सर। तो थोड़ा डिसेंट तरीका है कि नहीं हमारा पढ़ाने का? बहुत ज़बरदस्त सर। डिसेंट है कि नहीं? जो दुनिया में जो चल रही है, जो भीड़ में, हम भीड़ के हिस्सा तो नहीं है ना सर, बहुत भीड़ के हिस्सा तो नहीं है ना हम, है ना? 4 IC निकालने और लगाने वाले याला हिस्सा तो नहीं है ना हम, कि बार बार एक ही लाइट सेक्शन से बार बार IC को उठा रहे हैं। मतलब हम अगर लाइट सेक्शन में अगर हमको कहाँ पर दिक्कत है वो हम उसको फाइंड आउट कर पा रहे कि नहीं कर पा? ऐसी जरा हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है इस सेक्शन में, चाहे हमने कल ग्राफिक्स सेक्शन भी पढ़ा, क्योंकि बिल्कुल देख के हम बता सकते हैं कि इसमें हमें किस सेक्शन पे काम करना है। हमारे पास कोई टूल हो ना हो यार, कोई बोर्निंग सेक्शन हो, कोई डायग्नोस्टिक्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। हम IC कोई भी CPU वगैरह देख के भी पता चल जाता है सर कि कैसे देखना है। ऐसे हमें पढ़ाया गया ये सारा सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। हाँ सर, मेरा नाम संदीप है सर जी। आज लाइट की क्लास थी सर जी, और किसके साथ थी आपकी? देव सर के साथ। अच्छा, तो सुबह से जब 11 बजे से स्टार्ट हुई थी सर, तो लाइट के बारे में बहुत डीप बताया गया जी, और किसी भी मॉडल में कैसे भी करके डायग्नोस करना ये भी बताया गया। और मतलब जैसे हमारे पास बोर्नियो नहीं है, कोई नहीं है टूल्स, तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, कैसे नहीं बना सकते, इसके बारे में बहुत डीप से बताया गया। एक यूनिवर्सल मेथड बताइए ना आप। हाँ सर, पढ़ने की, लाइट सेक्शन पे काम करने की यूनिवर्सल मेथड बताइए ना। जी सर। और ना ही ऐसा है कि यूनिवर्सल मेथड बता दी, काम खत्म हो गया, ऐसा कोई लाइट सेक्शंस का जो IC आता है, वर्किंग IC आता है, तो कोई सा मिस कराए क्या, छोड़ा नहीं सर? वो इसी हिसाब से बताएं कि किसी भी सेट में भी आप फंसेंगे नहीं, कभी कुछ नहीं होगा, आराम से बन जाएगी। चलिए ठीक है। और प्रैक्टिकल आपने किया कि नहीं किया? हाँ सर, प्रैक्टिकल भी किया। किसका इस्तेमाल करा आपने प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में सर DSO का इस्तेमाल करना भी पता चला, कैसे किया जाता है ये भी पता चला। अच्छा, तो कैसा लग रहा है प्रो लेवल की ट्रेनिंग लेके? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा आगे आइए। हाँ जी, दीपक पोद्दार, महाराष्ट्र से सर जी। आज हमारे देव सर के साथ में 11:30 बजे लाइट IC की ये क्लास थी जी। उसमें यहाँ हमारे SPD की, कॉलकॉम की, मीडियाटेक की पूरे जितने भी आते हैं उसके पूरे की लाइट IC ट्रेस करना, उसके फाइंड आउट करना कितने IC आते हैं, उसके पूरा डिटेल में उसके पैड लाइन तक हमें ट्रेस करके बताई है सर ने। इसका चेकिंग करना, DSO से चेकिंग कैसा करते हैं, किस किस लाइन पे करते हैं। आपने इसका इस्तेमाल किया है क्या? सर आज बिल्कुल किया है हमने। इसका इस्तेमाल किया आपने? किया है सर, बिल्कुल। इसको पूरा यूज़ करके देखा है आपने? पूरे आपको कितने जगहों पे लगाना है इसको ये मालूम है? सब के लेके लगा के हमने ट्राई किया है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है भाई, मतलब एंडलेस सोल्यूशन आज आपके हाथ में है? हमारे पास जितने भी आता हैंडसेट आते थे लगभग 95% तो रिटर्न ही जाते थे। वो अब हमको ये हो रहा है कि यार पहले ही आते थे तो अच्छा लगता था। अच्छा, ऐसा लग रहा है अब। ठीक है। और प्रैक्टिकल क्लास में आपको पूरा टाइम मिल रहा है? प्रैक्टिकल बिल्कुल टाइम मिल रहा है, और यहाँ पे पूरा रिवीजन भी करके ले रहे हैं। पूरा रिवीजन भी करते हैं। चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम गणेश है, उत्तराखंड से। आज हमारी देव सर के साथ लाइट सेक्शन की क्लास थी, जिसमें हमारा लाइट सेक्शन के बारे में बताया गया सर के द्वारा। इसमें हमारे सर के द्वारा लाइट IC में लगने वाले जो भी IC उसके बारे में बताया गया, उसकी पूरी नॉलेज दी गई। और ये भी बताया गया कि हम लाइट IC सेक्शन को कैसे ढूंढ सकते हैं बिना डायग्राम के, इसके बारे में पूरी नॉलेज दी गई है। तो आप इतनी दूर से जगह छोड़ के उत्तराखंड से आओ, तो उत्तराखंड से इतनी दूर आने का रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है, पूरे मिल रहा है, अपना फायदा मिल रहा है। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, शकील, आगे आइए। हाँ, तो शकील ये बताइए कि आज क्लास थी आपकी लाइट की, वो भी थी देव सर के साथ। जी सर। बताइए मेरे को, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा सर। लाइट सेक्शन के बारे में प्रॉपर पता चल गया, कहाँ से वोल्टेज किस जगह से आता है, और 6 लैक्स वाली जो IC होती है उसके बारे में पता चल गया। और वाली PMI हो, 63P हो, PML हो जी सर, D8 हो, D9 हो, ओल्ड वाली भी और न्यू वाली भी दोनों पता चल गई। तो सारे प्रोटोकॉल आपको मालूम? जी सर। पेडलाइन चेक करी आपने? जी सर। IC को उठा के देखा आपने? जी सर। IC को उठा के देखा, DSO से रीडिंग ली आपने? जी सर। इसकी DSO से रीडिंग ली आपने? जी सर। तो कैसा लग रहा है प्रो लेवल का काम? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर। मेरा नाम नाहर सिंह, राजस्थान से। नाहर सिंह, राजस्थान से, जबलपुर। जी सर। आज 6ठा दिन, कैसा सफ़र? सर आज का सफ़र बहुत अच्छा रहा लाइट IC का। हाँ, आज हमने सुबह 11 बजे क्लास में लाइट IC को पढ़ा था जी। लाइट IC किस IC से बनती है, किस IC में इसकी सप्लाई जाती है जी, और कनेक्टर पे किस सप्लाई, मतलब कनेक्टर पे कहाँ से आती है, कितना वोल्टेज आता है। हाँ, तो सब कुछ हमारे लिए बताया था। तो और प्रैक्टिकल क्लास में क्या हुआ? प्रैक्टिकल क्लास में सर हमें प्रैक्टिकल अच्छे लेवल से कराया था और DSO से भी कराया था हमारे लिए। इसका इस्तेमाल हुआ? जी सर, इसका इस्तेमाल सर रोज़ होता है हमारे लिए। अच्छा। जो जो सेक्शन पढ़ते हैं उसमें DSO का जरूर इस्तेमाल होता है। इसका इम्पोर्टेंस है कि नहीं सर? इसका बहुत है सर, ये हमारे काम को आसान कर देता है। ये स्मार्ट बोल सकते हैं, स्मार्ट बोल सकते हैं सर, बहुत काम को आसान कर रहा है। थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर, मेरा नाम सायराम है जी। आज हमको IC सेक्शन बताया गया है, देवा सर ने बहुत इजी वे में बताया था। जितना भी ICs रहता है अभी तक, जितना भी मैन्युफैक्चर हुआ है सबके बारे में उसका एक पैड की लेके एक एक चीज़ पूरा अच्छा से बताया था सर। अच्छा, और आपको कितना सरल करके दिया लाइट सेक्शन? बहुत सिंपल करके दिया सर, बहुत सिंपल। उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान से हमको हो गया, क्योंकि रीज़न है कि यहाँ से जाने के बाद जब आप शॉप पे जाओगे, जब अपनी शॉप पे जाकर काम करोगे, तो अगर आपके पास 5 मोबाइल रिपेयर पे आ रहे हैं तो 2 आपको लाइट सेक्शंस की मिलेंगी। सबसे ज़्यादा खराबी आने वाला सेक्शंस वही होगा, लाइट सेक्शंस, राइट। तो बताइए मेरे को कि आपने प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया? प्रैक्टिकल क्लास में सेम देव सर ने जो बताया था प्रैक्टिकल में भी, प्रैक्टिकल सर ने हम लोग को बहुत आसान से फिर से बताया था जी। उसकी 4-5 बार बताया था हमको, बहुत सिंपल वे में वो मुझको। तो यहाँ पे कोई थ्योरी क्लास होती कि प्रैक्टिकल? नहीं सर, वहाँ पे 5-6 घंटा का थ्योरी क्लास होगा और 1-6 घंटा यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास होगा, पूरा 12 दोनों का बैलेंसिंग होना जरूरी है। हाँ जरूरी है सर, जरूरी, वो उतना याद नहीं रहेगा। तो आपने इनका इन सब का इस्तेमाल किया? हाँ, DSO को इस्तेमाल किया है, सब टूल्स को जैसे हाँ। कहाँ पे आपको DSO का इस्तेमाल करना है, कहाँ मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना है, कहाँ से GR निकालना है, कहाँ से वोल्टेज उठाना है, सारी चीज़ का, सारी चीज़। और आपने IC उठा के पैडलाइन बनाई है? हाँ सर, पैडलाइन बनाई। ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मैं पवित्र हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ। आज मेरा लाइट सेक्शन का क्लास था जी। जितने भी लाइट सेक्शन आता है, जितने भी 9-6 लेग का हो, चाहे बॉल IC हो, चाहे PMI हो, PML हो, इतने तरीके के लाइट IC है, सबको थ्योरी क्लास दी गई। उसके बाद शाम को आके लाइट IC प्रैक्टिकल दिया गया, बोर्ड में कैसे लाइट IC ढूंढता है, कैसे ढूंढना है, कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन सा कैसे पहचानना है, उसके बाद कैसे टेस्टिंग करना है, कैसे GR निकालना है, कैसे DSO से चेक करना है। DSO मतलब तो खाली ये बताइए मेरे को, आप इसको तो खाली ये बताइए मेरे को कि खाली आपको मल्टीमीटर से GR निकालना, वोल्टेज निकालना बनाया कि आपको DSO से DSO की भी आती है, आपको टेस्टिंग आती है, आपको किस पॉइंट पे लगाना ये पता है, आपको पता है किस जगह पे लगाना है। सर ने ये बता के पूछा आपको किस जगह लगाना है, किस जगह पे लगाना है, किसकी जगह फ्रिक्वेंसी चेक करना है, सब कुछ बताया है। उसके बाद सब कुछ अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा होता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा ही होता है। नहीं, आपको समझ में आता है कि नहीं? हाँ जरूर, समझ में जरूर। सर की क्लास एक्सीलेंट होती है, सर की क्लास ही प्रैक्टिकल क्लास, सर की क्लास के आधार पर प्रैक्टिकल होते हैं, सर ही पहुँचाते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तुमको, आज का आपका लाइट सेक्शन कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा ही गया है, जो जानना चाहता वो मिल गया है। मिला आपको? जरूर मिला है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम सुधीर कुमार है जी। आज देव सर के साथ लाइट सेक्शन का क्लास था जी, और एक-एक चीज़, एक-एक पैड तक एकदम एंडलेस तरीके से सर लाइट ऐसी का डीप लेवल का नॉलेज दिए, बहुत ही अच्छा क्लास रहा। तो ये बताइए मेरे को कि आप काफ़ी समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको नई नई चीज़ें कितनी सीखने को मिली है यहाँ? डेली डे बाई डे कोई ना कोई नया नया चीज़ तो मिलता ही है। और मान लीजिए कोई लाइट सेक्शन का फ्रीक्वेंसी बना रहा है, किस तरह से बना रहा है, किस स्पीड से बना रहा है, आज आपको इसका महत्व मालूम पड़ा आपको? जी जी, आप इसको महत्व मालूम पड़ा? इसका महत्व है किस तरह से फ्रीक्वेंसी बनाता है, इससे चेक हो जाता है जी। फ्रीक्वेंसी नहीं बनाएगा तो लाइट जलेगा ही नहीं, एम्पियर नहीं, वोल्टेज वगैरह नहीं बनाएगा, तो डीप लेवल का सर बताएं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी। जी सर, मैं नितिन शर्मा। नितिन शर्मा, कहाँ से हो भाई? जी मैं अलवर, राजस्थान से। राजस्थान से इतनी दूर जबलपुर आए हैं आप, तो बेनिफिशरी हो रहा है कि नहीं आपका? किस लेवल से आपका? कल ग्राफिक्स था, आज लाइट था आपका, तो लाइट और ग्राफिक्स का दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं? आज तुम्हारा डिस्प्ले कम्प्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो सर ने कितने फॉर्मेट पे बताया आपको, कितनी ICU पे बताया? कोई ऐसी IC छोड़ी इस पे सर ने आपको बताया ही? देव सर नहीं सर, कंप्लीट लाइट सेक्शन पूरा एक कंप्लीट बोल सकते हैं, कंप्लीट लाइट सेक्शन हुआ है आपका। एक एक चीज का प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल। आपने खुद ने किया है? किस किस का इस्तेमाल किया आपने? DSO का किया इस्तेमाल सर, फ्रीक्वेंसी वगैरह के लिए हम अदर डिवाइस का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अच्छा था हमारे लिए, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। साहिल आइए सर। जी मेरे साथ साहिल है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र साहिल, हाँ बताइए। आज लाइट सेक्शन का ये था, हाँ क्लास थी, हाँ बहुत बढ़िया से देव सर ने सिखाया आज। हाँ बहुत बढ़िया सिखाया। तो देव सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, तो आपका लेवल क्या था समझने का? बहुत बढ़िया सर, एंडलेस सोल्यूशन आपके हाथ में, एंडलेस सोल्यूशन। और आपने प्रैक्टिकल किया है? किया है सर। खाली मल्टीमीटर से करा? नहीं नहीं, फिर काहे से करा? डीएसओ मशीन से करा है। डीएसओ मशीन से भी किया आपने? यस सर। तो आपको पता है क्या डीएसओ की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है लाइट सेक्शन में? यस सर। चलिए ठीक है। चलिए राजेश्वर, महाराष्ट्र से। जी सर, आज हमारी सवेरे 11 बजे देव सर के साथ क्लास हुई है जी, तो उसमें लाइट सेक्शन के बारे में पूरे एंडलेस तक नॉलेज मिली है। पहले हमें नहीं थी, अभी आसान तरीके से हम मोबाइल दुरुस्त कर सकते हैं। और बाद में थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल में आने के बाद DSO का भी यूज़ करना ही बताया है सर ने, किस फ्रिक्वेंसी पे चेक करना है क्या नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है सर। तो ये खाली तुम्हारी बात करोगे, पूरी क्लास की बात कर रहे हो? नहीं, पूरी क्लास के साथ। पूरी क्लास? हाँ। पूरी क्लास ने पूरी टेस्टिंग करी है? हाँ सर। पूरा प्रैक्टिकल करा, पेट भर के प्रैक्टिकल किया? पेट भर के प्रैक्टिकल। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, हाँ चलिए नाम बताइए अपना। मेरा नाम बलराम मंडल हो, वो नेपाल बड़ा। नेपाल से? हाँ सर। अच्छा, तो बताइए क्या क्लास था आज हमारा? आज लाइट आईसी का सर। लाइट आई 5 घंटा गरेको सर मैले। के गरेँ भने नि, एक्चुअल क्या होता है कि जो मैं हिंदी बोलता हूँ तो जल्दी से इनकी समझ में नहीं आ पाती है, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। नेपाली में आप बोलना चाहेंगे आप बोल सकते हैं। जस्तो कि आज मैले के गरेँ भने नि, लाइट आईसी जो कि डिस्प्लेमा लाइट आउँदैन कि, अनि त्यो लाइट बनाउनलाई आज म पुरै कम्प्लिट सिकेको। त्यसमा के छ भने हाम्रो 12 बल हुँदो रहेछ आइसीभित्र, त्यो 12 बललाई पुरै काउन्ट गरेर यो एक एक काउन्टको यसको कहाँ जान्छ भोल्टेज, कहाँबाट कहाँ, अनि एलसिडी कनेक्टरमा कसरी पुग्दो रहेछ, त्यो सबै हामीले, मलाई सबै कुरो थाहा भयो। अनि जस्तो कि यो DSO, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो सर, यो इम्पोर्टेन्ट हो होइन। यो एकचोटिमा थाहा हुन्छ कहाँ के गर्नुपर्छ, कहाँ खराब छ भन्ने कुरो यसले बताइदिन्छ सर। जस यो DSOको जस काम लाग्ने चिज रहेछ, हामीलाई आजसम्म थाहा थिएन, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सर यो। ठीक है सर। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। चौधरी। कहाँ से भाई? नेपाल से। नेपाल से। तो आप थोड़ा बताइए क्लास के बारे में, किनके साथ क्लास थी, किस लेवल से मिली आपको? देव सर की क्लास थी जी। क्या लेवल से मिली आपको? इंग्लिश लेवल। वहाँ पर सर ने जो बोलता है ना, एक मोबाइल में नहीं, वहाँ पर 10, 12, 15 सभी मॉडल के मोबाइल पर सर ने खुद प्रैक्टिकल करके हमको एक बार कहने पर समझाया था। और वही चीज़ जो एक डायग्राम था वो खुद मैं क्लास में भी लाइव बनाया। लाइव बना? हाँ, लाइव बना। तुम्हारा वीडियो देख सकते हैं क्या? जी सर। सुपर स्टार बन गए तुम तो, ऋतिक रोशन बन गए सर। सुपर स्टार कौन ने बनाया? देव सर ने बनाया। देव सर ने बनाया? जी सर, देव सर ने बनाया सर। तो किंग मेकर है सर। और आज लाइट सेक्शन के जितना भी सर प्रॉब्लम था वो दिमाग से सब एकदम अब खाली नहीं जाएगा, वो क्लियर बन के ही जाएगा सर। उसके लिए थैंक यू सर। ओके थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका सुमित है, नेपाल से। बताइए सुमित। मेरा नाम सुमित भण्डारी, म नेपालदेखि जी। आज हाम्रो देव सरको साथ लाइटको क्लास थियो, जुन चाहिँ तपाईँको एकदम राम्रो भएको छ। तपाईँको प्याड लाइनदेखि लिएर कुन प्याडमा कति भोल्टेज आउँछ, तपाईँको आइसीदेखि लिएर तपाईँको यो कोइलमा कति भोल्टेज आउँछ, डायोडमा कति आउँछ, के कुन समयमा डायोड फेर्ने, कुन समयमा कोइल फेर्ने, इनलेटसम्म एंडलेस सोल्यूशन है आपके पास। एंडलेस सोल्यूशन। तो अभी प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? क्या खाली मल्टीमीटर से टेस्ट किया है क्या? नहीं सर, नहीं सर। मल्टीमीटर से टेस्ट किया है? नहीं 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 सर, नहीं सर, पूरी DSO से। पूरी DSO से? पूरी DSO से। इसके बिना मोबाइल रिपेयर नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं होता है, टेक्नीशियन ही नहीं है इसके बिना तो। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम अनिल सिंह हो, म नेपालबाट हो। हाँ जी, आज देव सर के साथ आज बिहानदेखि लाइट सेक्शन को सबै क्लास भयो। आज पुरै सुरुदेखि जीरो लेभलदेखि पुरै आईसी इन्डलेससम्म सिकाउनु भयो, सबै बुझ्यो र प्लस प्र्याक्टिकल पनि भयो। प्र्याक्टिकल पनि सबै कुन ट्रेस कहाँ हो, कहाँ कतिमा कुन भोल्टेज आउँछ, कति रिडिङ आउँछ, कति जिआर आउँछ, कसको लाइन कहाँदेखि कहाँ हुन्छ, के हुँदाखेरि कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने प्रब्लम आयो भने सबै आज सिक्यो। तो ये बताइए मेरे को कि आज आपका क्या लेवल रहा? आपने सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने यहाँ पे प्रैक्टिकल भी बहुत पेट भर के किया। आपने सारी आईसीओ का डायग्राम बताया, पीएमआई हो, पीएमएल हो, या 63P हो, या D8 हो, D9 हो, D6 हो, मतलब कोई सी भी आईसी आपने मिस नहीं की है। यहाँ पर सब पे काम किया है और सारे बोर्डों की आपने टेस्टिंग करी है। हाँ, तो आप खाली मल्टीमीटर वाले टेक्नीशियन? नहीं सर, DSO से भी किया सर। DSO वाले टेक्नीशियन भी है? हाँ सर। तो कितना ज़रूरी है ये? एकदम ज़रूरी है। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है और आप ये स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने पूरा का पूरा ड्राइंग किया है, पूरा ड्राइंग किया है। कॉन्फिडेंस इसका फुल लेवल पे है। तो मेरे भाई बताओ, क्या लेवल की क्लास मिल रही है आपको? सर आज बहुत अच्छा लेवल की क्लास मिल रही है, इंग्लिश मिल रही है सर, एंडलेस मिल रही है सर। तो आप और एंडलेस क्लास के साथ आपकी समझ और ये बताइए कि नॉलेज कितना इन्हेंस हुआ है आपका? बहुत अच्छा हुआ सर, अच्छा नॉलेज इनहेंस हुआ है। और प्रैक्टिकल में आप पूरा प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ सर, बहुत। वो तो नमूना देख लिया हमने, पूरा डायग्राम बनाया आपने, यहाँ पर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया है आपने। तो कैसा लग रहा है ये एंडलेस काम करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मल्टीमीटर वाले टेक्नीशियन है क्या? नहीं सर, DSO वाला टेक्नीशियन है। DSO वाला टेक्नीशियन है? हाँ सर, ये DSO बहुत इम्पोर्टेंट है, DSO बिना कुछ भी काम। तो आज की क्लास के लिए मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहूँगा, देव सर के लिए क्या बोलोगे? सर देव सर के लिए एक बार ताली बजाने चाहते हो? थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। यस सर, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। यस सर। चलिए, परमेश्वर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीओ निकालना हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सबसे नंबर वाली सीपीओ।